चुके हैं। ये यहाँ कपड़े हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, बना सकता हूँ ना। मैं पाकिस्तान से हूँ। ये सब पाकिस्तान का है। ये देखो चूड़ीदार, भाई पाकिस्तानी भी है कपड़े यहाँ पर। पाकिस्तानी इस इलाके में काफ़ी है ना आता है कपड़ा। देखो ये पाकिस्तानी हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखो कपड़े बहुत प्यारे प्यारे हैं, ड्रेस। देखो बहुत प्यारे प्यारे। मैं आज आया हूँ प्लेमवेट पोर्टलिस, प्लेमवेट आया हूँ मैं, इसलिए आया हूँ। मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिखाऊँ। अगर ईद के दिन चल रहे हैं, अगर ईद के दिन में आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस इलाके में आएँ। तो यहाँ पर एक पगोडा स्ट्रीट है, वहाँ पे ईद बाज़ार लगता है। तो आप वहाँ का वहाँ से शॉपिंग करें। देखो आपको यहाँ बहुत मतलब के देखो यहाँ से शुरू हो जाता है। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। नो नो थैंक यू। टैक्सी का पूछ रहा है शायद, टैक्सी स्टैंड भी है ये, तो वो मैं जो है टैक्सी का पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे कबूतर बहुत होते हैं, इसको फूड कोर्ट है, यहाँ ऊपर लिखा है फूड कोर्ट है। यहाँ कबूतर वगैरह बहुत होते हैं, ऊपर टाइम भी चल रहा है। मेरे पास कुछ इनको खिलाने के लिए नहीं है, तो खाली देखो बहुत कबूतर होते हैं। देखो यहाँ पे फूड कोर्ट है ऊपर लिखा, आजकल तो मेरे को बंद है ना, तो रमज़ान चल रहा है इसलिए बंद है। तो यहाँ रमज़ान में ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह जो मुस्लिम के हैं यहाँ से कुछ लोग बंद करते हैं। ये देखो यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पे भी शॉपिंग वगैरह, यहाँ पे भी लोगों ने लगाया हुआ थोड़ा कपड़े वगैरह ऐसे समथिंग। मैं जाता हूँ अभी जो पगोडा स्ट्रीट है उसकी तरफ जाता हूँ। ये बस स्टॉप है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है बस पता, लेकिन पास ही तो यहाँ पे, इधर से जाओगे तो पास ही वो है बस स्टेशन। पगोडा स्ट्रीट वहाँ पर है शायद, ये प्लेमवेट बोलते हैं इस इलाके को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि ईद बाज़ार इसलिए लगता है, ये यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम लोग इस एरिया में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ईद बाज़ार भी लगता है, मतलब कि ईद की शॉपिंग के लिए आप आना जाना है तो इस इलाके में ही लोग आते जाते हैं। तो अभी सब कुछ बंद है तो मैं जा सकता हूँ वहाँ पे। मैं इस इलाके में पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ। देखो आपको यहाँ ये इलाका ही मुस्लिम है। और ये जो ईद बाज़ार लगता है आपको, वो वहाँ पे काफ़ी ही मतलब कि सस्ते में चीज़ मिल सकती है। ये देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है, पहले नहीं होता है, नॉर्मली ये ईद के दिनों में होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है ईद बाज़ार।
वो कॉल पे बोला हेलो, मैं समझा मुझे बुला रहा। ये भाई ये जगह न्यू बनी है, पहले नहीं थी। ये है जी पगोडा स्ट्रीट, ये जो शॉप्स वगैरह हैं न्यू बनी है, पहले नहीं थी। ये वाली जो शॉप है ये पहले नहीं बनी थी, थोड़ा खुला बाज़ार लग रहा था। तो चलो हम इसके अंदर जाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। अभी तो जो स्टार्टिंग है, मतलब कि ईद को अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी मतलब कि ईद को 10-15 दिन अभी हैं। अभी जब आप एंड के दिनों में आएंगे तो ज़्यादा होता है क्राउड, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि एक तो मेहंदी वगैरह भी लोग लगाते हैं। अभी तो मेहंदी मुहंदी नहीं लगा रहे होंगे। एक जहाँ हमारा पाकिस्तानी भी लगाता है कपड़े, काफ़ी चेंज हो गया। पहले ये शॉप वगैरह कुछ नहीं थी, अभी शॉप्स वगैरह हैं। देखो 100-100 रुपए में है, वो 1000-1000 रुपए में। देखो 1000 रुपये में है, बहुत प्यारे कपड़े हैं। ये अरबी ड्रेस हैं जो लोग जुमा वगैरह में पहनते हैं। यहाँ बहुत ही बड़ी है, ये दूर तक है। चलो मैं ऐसे ही घूमता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सौ सौ रुपये 100 300 हाँ अच्छा, मैं आने के टाइम आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये यहाँ कपड़े हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, बना सकता हूँ ना। मैं पाकिस्तान से हूँ। ये सब पाकिस्तान का है, चूड़ीदार। ये देखो चूड़ीदार भाई, पाकिस्तानी भी है कपड़े यहाँ पर। पाकिस्तानी इस इलाके में काफ़ी है ना आता है कपड़ा। देखो ये पाकिस्तानी है और बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखो कपड़े बहुत प्यारे प्यारे हैं, ड्रेस। देखो बहुत प्यारे प्यारे। मैं रोजिल में रहता हूँ। काम करते हैं आप? हाँ मैं यही करता हूँ काम। ये इनका प्राइस कितना कितना है? सबका 300 और 400 में है ये जो सब लगे हुए ना ऊपर। और ये वाला ये जो ये सब 15 है 18 है 2000 है। मैं भी यहाँ सेल करना शुरू किया था, फिर वो बंद हुआ था ना सब कुछ, तो मैंने छोड़ दिया। ये कितने कितने का है ये चूड़ीदार? ये सब प्राइस जैसे जैसे कपड़ा जैसे जैसे एम्ब्रॉयडरी है। हाँ 500 2928। चलो मैं आपकी शॉप दिखाता हूँ अगर कोई आएगा तो। ओके इंशाल्लाह। ये भी कितने कितने का है ये वाला? ये भी 100 का। ये देखो ये वाली शॉप है, अगर आप कभी आना है तो यहाँ आए तो अच्छी प्राइस में मिल सकता है। पाकिस्तानी भी कपड़े मिल जाएंगे आप लोगों को, पाकिस्तानी। इस इलाके में पाकिस्तानी ही मतलब कपड़े मिल जाएंगे, पाकिस्तानी लोग भी काफ़ी हैं इस इलाके में। देखो 200 पैज में है, 250 to 200 ऐसे ही है। कैसे है भाई? ये तो गाड़ियाँ हैं, वॉच है। काफ़ी दूर तक लगती है भाई, अभी तो मैं स्टार्टिंग में हूँ। ये खुस्सा वगैरह है, ये हमारे वहाँ मरोशन 50 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन यहाँ पे 800 में भी सेल हो रहा है। देखो अभी दूर तक है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है देखो यहाँ पे।
जैसे जैसे ईद आ रही है बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा है यहाँ पे। देखो अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। आप जब यहाँ इस इलाके में आते हो तो आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में आप आ चुके हो। थोड़ा यहाँ पे रश ज़्यादा है। ये परफ्यूम वगैरह भी है, परफ्यूम। देखो दूर तक है, ये जुमा मस्जिद है, यहाँ की जुमा मस्जिद है। यहाँ पे जो इमाम है वो शायद पाकिस्तान से है, मुझे वो पाकिस्तानी एम्बेसी में मिला था, वो शायद पाकिस्तान से है। ये चप्पल्स वगैरह मिल रही हैं यहाँ पे, देखो दूर तक है। चलो मैं जब तक आगे जाता हूँ तो मैं इसकी इंग्लिश सबटाइटल में डाल दूँगा वो, तो आप सेटिंग वहाँ से करके अपने मोबाइल से आप लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा। आज काफ़ी रश है। अभी मैं ईद के दिनों में आऊँगा यहाँ पे। अभी तो मैं मतलब कैसे जाते जाते थोड़ा बनाया। देखो अभी से ही कितना रश है, अभी बहुत दिन बाकी है ईद को, अभी से ही इस इलाके में, तो समझे नहीं अभी। लेकिन मेहंदी वगैरह लगाना नहीं शुरू हुआ, वो जो मेहंदी लगाते हैं वो मतलब के इसके एंड के दिनों में लगाते हैं। देखो मैं सिर्फ आप लोगों को जाते जाते दिखा रहा हूँ तो कितना लंबा, मतलब कितनी दूर तक है ये लगा हुआ। तकरीबन आगे जाके वहाँ ख़त्म हो जाता है, चलो एंड तक ही चलता हूँ। सॉरी देखो यहाँ तक है, वो आगे तक कभी है, मतलब कि आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं अगर आप चल के आओगे ना इसी गली में। तो मैं चलता हूँ फिर वापस इसी गली से, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अभी वापस जिधर से आया हूँ उधर से वापस जा रहा हूँ, यहाँ कहीं और गली से वापस चला जाऊँगा। अगर आप कभी भी ईद की शॉपिंग करनी है तो इस इलाके में आए ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो आपको अच्छे में मिल जाएगा, अच्छी प्राइस में। मैं भी जा रहा हूँ वापस, मैं सोचा ऐसे ही दिखा दूँ आप लोगों को थोड़ा। ये देखो यहाँ पर भी है सेल लगी हुई है, ये भी सेल। ये 500 में है सर, 550 में। मतलब कि काफ़ी अच्छे रेट में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो
ये पाकिस्तानी जो चूड़ीदार है वो भी यहाँ से मिल जाता है, 2000 तक मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो सस्ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर का देते हैं अपने हिसाब से। बहुत रश रहता है देखो, अभी लेडीज़ वगैरह शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई भी आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकता। जब मैं आऊँगा दोबारा यहाँ पे, जब ईद को 3-4 दिन रह जाएंगे तब आऊँगा, तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगा मैं, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊँगा यहाँ पूरा विज़िट और हर चीज़ दिखाऊँगा। ये देखो, ये भी कपड़े बहुत प्यारे हैं। एक एक 1000 में है, ये गिफ्टेड गिफ्ट वगैरह है, मतलब कि अच्छे प्राइस में आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं अगर आएंगे तो आप। इसलिए थोड़ा मैं सोचा इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, तो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आ सकते हैं, लेकिन मैं अच्छे से वीडियो मेरा दोबारा से आएगा यहाँ पर। सॉरी, तो यहाँ से मैं अभी इधर से जाता हूँ, हाँ बल्कि मैं अभी इधर से जाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दिखा दिया है। तो जाते जाते इधर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे है, आप लोगों को पूरा आना चाहिए ना मैं तो फिर पूरा दिखाता हूँ भाई, जब भी आना है बताना चाहिए ना आप तो कहाँ आना है आप लोगों को। ये जो नॉर्थ पोर्टल्स का नॉर्थ में जो बस स्टेशन है, वहाँ से एक सीधा रास्ता यहाँ पर भी आता है, और अगर आप पैदल चल के आना चाहते हैं, अगर बस में आते हो तो फिर तो आप वैसे भी आ सकते हो। देखो यहाँ पर भी मुझे लेना है एक ऐसा, मुझे भी इतनी शॉपिंग करनी है। ये भी पार्क जैसा है यहाँ पे, ये भी काफ़ी मतलब के इलाका फेमस है। एक यहाँ पे सिटी, शायद उसका नाम सिटी हॉस्पिटल भी है इस इलाके में। ये देखो यहाँ पे भी है, ये प्लेवेट भी काफ़ी मतलब के बड़ा है। देखो मैं काफ़ी दूर हूँ, बहुत लंबी रोड है भाई जहाँ मैं चल के आया हूँ। चलो यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ, फिर दूसरी साइड में जाता हूँ, फिर सीधा घर जाता हूँ। ये भी एक पार्क है, यहाँ पर भी लोग बहुत रात को बैठ के खेलते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं रात को किससे नहीं याद किया अबू कैसा स्नैक, अबू तो हम लोग बोलते हैं डैड को वहाँ उर्दू में। मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं अभी घर जाऊँगा, मैं स्पेशली आया था वीडियो बनाने, तो भाई मैं इसलिए अभी आप लोगों को बताया है। अगर आप आना है तो यहाँ पे अच्छी प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं, जो मुस्लिम लोग शॉपिंग करना चाहते हैं यहाँ पर हैं ईद के लिए, तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। चलो अभी ठीक है, वो जो मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था कबूतर यहाँ पर हैं, तो वहाँ से भी वहाँ से ही आप मतलब मेरी वीडियो से आप पूरा फॉलो करोगे तो आप आ सकते हो इजीली। और अभी तो जदीद दौर है, अभी तो तुम आपको पता है जो एडवांस दौर चल रहा है, तो मैप है, मैप के ज़रिए भी आप आ सकते हैं। प्लेवेट लिखें पगोडा स्ट्रीट, उस गली का नाम, यहाँ पर ये लगता है, तो आप वहाँ आएँ और आराम से बनाएं, वो बनाएगी बोल दें, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बनाएगा ही बोलूँगा, मतलब कि अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लाजिमी नहीं कि 2000 वाला, और भी 5-5
सौ रुपये में भी है, वहाँ मैंने देखा 500 रुपीज़ में भी है। वहाँ देखो पाकिस्तानी जो ड्रेस हैं वहाँ वो लेडीज़ सेल कर रही थी, तो वहाँ पाकिस्तानी भी थे। देखो पाकिस्तानी सबके पास ही होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे यहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी हैं वो जो मतलब कि इंडिया से ड्रेसिंग वगैरह साड़ी वगैरह वो भी पहनते हैं, इसी तरह यहाँ के मुस्लिम जो हैं जैसे ड्रेस पहनते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे हर मतलब के फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अभी ईस्टर भी आ रहा है, इससे पहले ईस्टर आ रहा है जो क्रिश्चियन लोगों का है, और अभी इससे पहले महाशिवरात्रि भी गई है, मतलब के आप लोगों ने क्रिसमस सब कुछ यहाँ पे धूमधाम से देखा है। तो आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया है सबका, तो देखा यहाँ पे हर चीज़ की फ्रीडम है, अच्छे से मना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोकथाम नहीं है यहाँ। और ईद भी अभी आ रही है बहुत जल्द, मतलब के यहाँ पे कोई ना कोई, क्योंकि मल्टी कल्चरल है ये मॉरिशस में, सब रिलीजन के लोग रहते हैं, तो इसलिए कोई ना कोई त्यौहार आया रहता है, मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल यहाँ पे रहता ही है। कभी मतलब के क्रिसमस आ गई, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी होली, अभी होली के दिन चल रहे हैं। देखो मैं इस रोड से आया था तो इसी रोड पे जा रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।